प्रयागराज सुबह 11 बजे स्थान पाम रिजॉर्ट लक्ष्मी चौराहा प्रयागराज। मिलते हैं 7 तारीख को रविवार को। साथियों पूरी एग्जाम को टीम आ रही है 7 फरवरी संडे प्रयागराज सुबह 11 बजे स्थान पाम रिजॉर्ट लक्ष्मी चौराहा प्रयागराज। मिलते हैं 7 तारीख को रविवार को। साथियों पूरी एग्जाम को टीम आ रही है 7 फरवरी संडे प्रयागराज सुबह 11 बजे स्थान पाम रिजॉर्ट लक्ष्मी चौराहा प्रयागराज। मिलते हैं 7 तारीख को रविवार को। साथियों पूरी एग्जाम को टीम आ रही है 7 फरवरी संडे प्रयागराज सुबह 11 बजे स्थान पाम रिजॉर्ट लक्ष्मी चौराहा प्रयागराज। मिलते हैं 7 तारीख को रविवार को। एक बार फिर से आप सभी के अपने परिवार एग्जाम पूर्व में आपका स्वागत करती हूँ। सो आज हम लोग एक ट्रिक के वीडियो और कॉन्सेप्ट वाले चैनल पर हम लोग पढ़ने वाले हैं 10 क्वेश्चन विद इन 5 मिनट्स के अंदर, जिनको कोशिश करूंगी मैं कि आप लोग को लिंक के साथ में याद करा सकूं। ये जो 10 क्वेश्चन है आप लोग के, ये इन्वेंशन से रिलेटेड है, जो की बार बार अक्सर आप लोगों के रिपीट होते हैं, ठीक है, कि मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया है एंड टेलीफोन का आविष्कार किसने किया है। चलिए तो करते हैं शुरू जल्दी से हम लोग तेजी के साथ में अपने क्वेश्चंस, फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में, ठीक है। तो देखिएगा जरा, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि टेलीफोन का आविष्कार यहाँ पर किसने किया है। तो टेलीफोन के आविष्कार की बात करते हैं, किसने किया है यहाँ पर, ग्राहम बेल ने। किसने किया है? ग्राहम बेल ने इसका आविष्कार किया है। और आप लोग इसको कैसे याद करोगे? टेलीफोन, टेलीफोन में क्या बस्ती है? बेल बस्ती है। क्या बस्ती है? बेल। सो बेल से आप लोग याद कर सकते हो, टिन टिन टन जो भी बेल है, तो बेल बस्ती है ना टेलीफोन में, तो इससे आप लोग इसको याद कर सकते हो ग्राहम बेल के बारे में। आगे बात करते हैं, लाइट बल्ब का आविष्कार किसने किया है? ये हम लोग स्कूल से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आप लोगों की कोई भी गलती होगी। थॉमस एडिशन, थॉमस एडिशन जो कि है भाई, उन्होंने आविष्कार किया है किसका यहाँ पर? लाइट बल्ब का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हुआ अपना दूसरा क्वेश्चन। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देन नेक्स्ट आप लोग का, स्टीम इंजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है? तो टीम यहाँ पे स्टीम इंजन का जो आविष्कार है किसके द्वारा किया गया है? थॉमस सेवरी के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? थॉमस सेवरी। सेवरी से हमें कहीं ना कहीं साउंड आती है किसकी? सवारी की। किसकी आती है? सवारी की, है ना। और भाई इंजन, इंजन का जो कि यूज किया जा रहा है किसमें? ट्रेन में। तो ट्रेन में सवारी ही तो की जाती है ना, तो इंजन के माध्यम से क्या की जाती है? सवारी की जाती है, ठीक है। इंजन के माध्यम से सवारी की जाती है, तो इस तरह से आप लोग इनको याद कर सकते हो, इंजन और सवारी को। आगे बढ़ते हैं, हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया है? तो जानते हैं दो भाइयों ने मिलकर के इसका आविष्कार किया है, जिनका नाम है ऑर्विल और विल्बर राइट, ठीक है। सो राइट, तो जहाज, हवाई जहाज का आविष्कार करना कैसा रहा? राइट रहा, मतलब सही रहा। हवाई जहाज का आविष्कार करना कैसा रहा है? राइट रहा है। इस तरह से आप हवाई जहाज को राइट से लिंक करके याद कर सकते हैं, कॉज इनके सरनेम में भी राइट आ रखा है और राइट ब्रदर इनको बोला ही जाता है, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं कि वीडियो गेम का आविष्कार किसने किया है? वीडियो गेम का आविष्कार, वीडियो गेम का आविष्कार की बात करते हैं तो राल्फ बेयर ने, ठीक है, किसने? राल्फ बेयर ने वीडियो गेम का आविष्कार किया है, ठीक है। राल्फ बेयर ने इसका आविष्कार किया है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर का आविष्कार, ठीक है, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया है? काफी टाइम से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, चार्ल्स बेवेज। किसने किया है? चार्ल्स बेवेज ने इसका आविष्कार यहाँ पर किया है, जो कि आपके ए ऑप्शन में इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो राइट आंसर इज दी ए ऑप्शन आंसर, जैसे कि आप लोग को नीचे भी आंसर यहाँ पर एड किए गए हैं कि ताकि आपको आंसर को समझने में कंफ्यूजन ना हो। आगे बढ़ जाते हैं, रॉबर्ट कैलियाउ के साथ किसने वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया है? देखिए, वर्ल्ड वाइड वेब, जब आप कुछ भी सर्च करते हैं गूगल पर तो एक लिंक जो कि आप डालते हैं तो उसमें आप ट्रिपल डब्ल्यू का यूज करते हैं, जिसकी फुल फॉर्म भी कभी कभी आप लोगों से पूछी जाती है। सो वर्ल्ड वाइड वेब इसकी क्या है? इसकी फुल फॉर्म यहाँ पर होती है, ठीक है।
अब एक तो इसका आविष्कार रॉबर्ट का नाम आता है, रॉबर्ट कैलियाओ का नाम आता है। दूसरा जो नाम आता है वह किसका आता है, वह आता है टिम बर्नर्स ली का। क्या आता है? टिम बर्नर्स ली का आता है। अधिकतर आप लोगों से टिम बर्नर्स ली का नाम दे करके ही पूछा जाता है। अब इसको कैसे याद करोगे टिम बर्नर्स ली को? तो देखो, जब भी हम गूगल पर कुछ डालते हैं तो जब वह लोडिंग हो रहा होता है तो इस तरह की डॉट है ना, इस तरह की डॉट हमें दिखाई पड़ती हैं जो कि घूम रही होती हैं। ठीक है, जब भी गूगल पर कुछ सर्च करते हो तो लोडिंग में वह दिखाता है ना, ये आपके बिंदु जो कि टिम टिम कर रहे होते हैं। कैसे कर रहे होते हैं? आपके टिम टिम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो टिम टिम से ही आप लोगों को याद रखना है कि भाई ट्रिपल डब्लू मतलब चीजें टिम टिम कर रही हैं। ठीक है, लोडिंग हो रही है तो क्या हो जाएगा? टिम यहां पर इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग इसको याद कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे डैश ने मोबाइल फोन का आविष्कार किया है, तो किसने किया है? मार्टिन कपूर ने। अपनी क्लास में भी मैंने पढ़ाया था मार्टिन कपूर। मार्टिन को कैसे याद करोगे? मामो। ठीक है, मामो, मा इट मींस मार्टिन और मो इट मींस मोबाइल। दोनों के नाम में भी मैं आ रखा है, सो भी अपने ही नाम पर इन्होंने मोबाइल का नाम भी रखा। अधिकतर अंग्रेज लोग अपने ही नाम पर चीजों का आविष्कार करते थे ताकि उन्हें हमेशा याद रखा जा सके। ठीक है, सो कहीं ना कहीं लिंक यहाँ पर चीजों का आपका बनता है दोनों का। उसके बाद बात करते हैं हम लोग सीलिंग फैन, जिसे कि हम कहते हैं छत वाला पंखा। हम लोग बोलते हैं ना छत वाला पंखा, छत वाला जो पंखा है वो चला दो या टेबल वाला फैन चला दो, ऐसा बोला जाता है ना। तो मुझे तो अपने बचपन में याद है हम लोग तो बोलते थे। तो इसका आविष्कार की बात करते किसने किया है? फिलिप टीथ ने इसको किया है। ठीक है, फैन, फैन से याद रखोगे, फैन से फ्लिप याद रखोगे आप लोग फैन से याद रखोगे आप लोग फ्लिप। ठीक है, फैन फ्लिप किसने किया है? फैन का आविष्कार फ्लिप ने किया है, और सीलिंग फैन का, छत वाले पंखे का। ठीक है, सो छत वाले पंखे का आविष्कार किया है। ये है आज का अंतिम अपना 10वें नंबर का अपना क्वेश्चन है। चलिए इसकी बात करते हैं हम लोग यहाँ पे कि भाई इसका आविष्कार किसने किया है? डाक टिकट का आविष्कार किसने किया है? तो आंसर आपको दिख ही गया है नीचे यहाँ पे, रोलैंड हिल ने किया है। किसने किया है? डाक टिकट का जो आविष्कार है वह है किसने किया है? रोलैंड हिल ने इसका आविष्कार किया है। तो इसको भी याद रख सकते हो, या फिर इसको ऐसे याद रख सकते हो, आपने वो गाना सुना है चिट्ठी आई है। ठीक है, तो चिट्ठी जो है वह डाक के माध्यम से ही आती है, और जब आती है तो वाकई में ही बहुत रुलाती भी है, और जब आ रही होती है तब उसका इंतजार भी कहीं ना कहीं रोने में ही जाता है। सो रो से याद रख सकते हो इसको, रो। ठीक है, डाक का जो कि टिकट का आविष्कार किया है, वाकई में ही वह रोलैंड ने किया है, तो रोलैंड बहुत रोया होगा। ठीक है, तो इस तरह से चीजों को लिंक करके आप लोग याद कर सकते हो। सो ये 10 क्वेश्चन थे जो कि आपके आविष्कार से संबंधित थे। किससे थे? आपके आविष्कार से संबंधित थे। बाकी ये अपना टाइम टेबल है जो कि मेरी क्लासेस चलती हैं, 10 बजे क्लास मेरी चलती है SSC एग्जाम बाय एग्जामपुर चैनल पर, और 11 बजे चलती है एग्जामपुर पर, और 1 बजे चलती है एग्जामपुर पर। ठीक है, तो होप्स हो कि क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे, कुछ क्वेश्चंस आपको क्लास में याद हो गए होंगे। बाकी 5 मिनट के क्वेश्चंस है, एक बार फिर से देख लेना, पॉज ये भाई रिपीट होते हैं, और अगर आप 5 मिनट में अपना एक क्वेश्चन सही कर रहे हो तो आप नंबर हासिल कर रहे हो, जिसको आप लोग जरूर कीजिएगा। खैर, आई होप सो क्लास आपको पसंद आई होगी, लाइक कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी इस बार ट्रिक की वीडियो में ही, आपको मिलेंगे नई नई चीजें आप लोग के लिए लेकर के आती रहूंगी कम समय में, ढेर सारी चीजें। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड जय हिंद जय भारत। साथियों, पूरी एग्जाम टीम आ रही है 7 फरवरी संडे प्रयागराज सुबह 11 बजे, स्थान पाम रिजॉर्ट लक्ष्मी चौराहा प्रयागराज। मिलते हैं 7 तारीख को, रविवार को।